आजाद भारत देश में दलितों पर होते अत्याचार को लेकर कानून तो बने, लेकिन आज भी दलितों के साथ अत्याचार हो रहे। ऐसा ही मामला देखने को मिलता है दुदू पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जड़ावता में, जहां दलित परिवार के साथ सरकार के नुमाइंदों ने ही नियमों को ताक कर रखकर दलितों के निर्माण पर बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद दलित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इस दलित परिवार की सुनने वाला कोई नहीं है। जयपुर जिले की दुदू पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जड़ावता में एक दलित परिवार पर सरकार के नुमाइंदों ने नियमों को ताक पर रखकर वर्षों पुराना निर्माण ध्वस्त कर दिया, जबकि पीड़ित के पास आबादी क्षेत्र का ग्राम पंचायत द्वारा जारी 1990 का पट्टा होने के बाद भी उनका आशियाना उजाड़ दिया जाता है, केवल और केवल दलित होने का दंड दिया जाता है। इस पूरे मामले में जब मीडिया ने अधिकारियों से बात की तो सभी अपना पल्ला झाड़ते हुए एक दूसरे पर आदेश की पालना करने का बहाना बनाते नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ राजनीतिक दबाव के चलते इस दलित परिवार पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और अब सब मामले को दबाने में जुटे हैं। इस पूरे प्रकरण में देखने वाली बात है कि न्यायालय के स्थगन के बावजूद भी क्षेत्र के आला अधिकारियों ने न्यायालय के आदेशों की भी थत्ता बताकर पीड़ित दलित का आशियाना उजाड़ दिया। अधिकारियों व पंचायत प्रशासन ने न्यायालय के आदेशों को भी राजनीतिक प्रभाव में आकर मटिया मेट कर दिया है। ये इस देश का दुर्भाग्य कहें या कुछ और, यहाँ लोकतंत्र में उन लोगों की सुनवाई की जाती है जहाँ जिस समुदाय के वोटर्स की संख्या बहुलता में पाई जाती है। ये पीड़ित का दुर्भाग्य है कि जड़ावता ग्राम पंचायत में दलितों की संख्या कम, जिससे प्रशासन व राजनीतिक नेताओं का इस ओर ध्यान ही नहीं जा पा रहा। दुर्भाग्यवश पीड़ित को अपना आशियाने से हाथ धोना ही पड़ रहा है। अब देखना होगा कि दलित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। ऐसे जनप्रतिनिधि जो दलित की मोहर लगाकर अपने क्षेत्र से जीतकर आकर वो लोग भी राजनीतिक दबाव में हैं या कुछ और है, अब देखने को मिलेगा। देश में संविधान का कानून चलता है या राजनीतिक प्रभाव संविधान पर भी भारी है। ग्राम पंचायत जड़ावता का मायना रेबड़ हूं मैं। जी जगह के ऊपर मैं रह रही जा, भी ठोड़ मांग 40 साल से आबादी जगह में रह रही जा, और इंदिरावास को मकान बने हुए पट्टो है, ग्राम पंचायत पट्टो दे रखी जमाने 1990 के महीने बी के बावजूद भी साकूं से ममाना रोड को नाम ले प्रशासन अधिकारी और कह जगह ये लोग एसी का अतिक्रमण कर रखे है रोड के ऊपर, तो प्रशासन अधिकारी मौजूदगी पर आज सरपंच सेक्रेटरी तहसीलदार सब लोग आ जबरन से बाटा मैंने और नालों काट दिया मांगे और मन परेशान कर रहा है कि एसी का लोग जो तो था गोडर विभाग अधिकारी बन बने काम में पानी को होद फोड़ दिया, दो तीन ट्रोली चाराई बखेर दिया और गाढ़ा परेशान कर रखा, जबरदस्ती कर रहा, गाड़ी गलोज कर रहा माँ पिताजी के साथ में, पुलिस प्रशासन वाले ने दुखा देर भगाया मन औरतों का दुखा धूम दिया, सब लोगों ने परेशान कर रखा साहब। पुश्ती जमीन थी और हमारे पास इसका पट्टा भी था और सरपंच पटवारी तहसीलदार साहब आए और यहाँ से रास्ता निकाल लिए। हमारे इस दिन कोई भी घर पे नहीं था, हम औरतें ही घर पे थे। ग्राम पंचायत जड़ावता बोल रही हूँ, राम धनवार नाम है और माँ का भाड़ा का मायना है गाँव वाला, और जो प्रशासन है सब परेशान कर रहा 3-4 साल हूँ और चारा को नुकसान कर दिया, वो तोड़ दिया मतलब माँ का डावा बनाया, पानी बिटिन कौन जा बजे गाँव कन ये वास्ता परेशान कर रही है। ग्राम पंचायत जड़ावता में कोई अतिक्रमण हटाने का कोई मैटर जो आप बता रहे हैं वो मुझे अभी आपके द्वारा ही मालूम चला है, इसकी एक बार हम जांच करा लेंगे। यदि इसमें किसी की भी संलिप्तता होगी, चाहे सरपंच हो चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, जाँच करवाएंगे और जाँच के बाद में जो भी तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करवाएंगे। यदि किसी के साथ में अन्याय होता है तो अन्याय तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, प्रयास करेंगे उसको समय पर न्याय मिले। धन्यवाद। जड़ावता ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत द्वारा पानी के निकास को दुरुस्त करने के लिए विकास करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अतिक्रमण को साफ किया है, मुक्त किया है। उसमें उसने ग्राम पंचायत ने पुलिस जाब्ता और प्रशासन मांगा तो उसमें तहसीलदार दूदू और SHO नरेना उपस्थित रहे। प्रार्थी का ये कहना है कि उसकी पट्टे की भूमि में से अतिक्रमण हटाया गया है, जबकि ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत ने माना कि विधिवत तरीके से अतिक्रमण हटाया है। दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है और शीघ्र ही इसकी जाँच करवा कर जो न्यायपूर्वक होगा, जो सही होगा, वो कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी।
पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।